हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपसे फिर मिल रही हूँ एक नए ड्रामा के साथ जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए बिना देर किए चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जूशिया के आँख खुलने से होता है, जहाँ वो अपने आप को न्यूट पाती है। वहीं सामने हम अपने कोल्ड हार्टेड मेल लीड थांग को देखते हैं। यहाँ जूशिया को याद आता है कि कल रात उसकी दोस्त उसे ड्रिंक कराती है और उसके लिए एक होटल बुक करा देती है ताकि वो अपने बीएफ के साथ नाइट स्पेंड कर सके, क्योंकि सालों से रिलेशनशिप में रहने के बाद भी आज तक उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। पर क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक रहती है इसलिए थांग के रूम में आ जाती है और इसलिए ये उनका वन नाइट स्टैंड हो जाता है। यहाँ थांग उसके तरफ 5 मिलियन का चेक फेंकते हुए कहता है, ऐसा प्रिटेंड करना कि कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था और अपना शक्ल दोबारा मत दिखाना। वो कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और अपने बीएफ को कॉल पे कॉल लगाती है, पर उसका मोबाइल ऑफ बताता है। वो काफी रोने लगती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम था और इस तरह गुजरा। थांग अपने नेक पर लगे लव वाइट को टच करते हुए याद करता है कि कल रात वो कितना ज्यादा एनर्जेटिक थी और कह रही है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है। वो कहता है, मुझे तो नहीं लगा ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। हाँ, मुझे सेड्यूस करने में तुम्हें काफी मेहनत करना पड़ा होगा। और इसलिए उसे एक और चेक देता है और जाने लगता है। वो कहते रह जाती है कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम जोशिया के बीएफ जेकाई को देखते हैं, जो 10 दिनों से काम पर नहीं गया था। उसके कंपनी से कॉल आता है कि अगर एक और हफ्ते एब्सेंट किए तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। इसके बाद उसे किसी का मैसेज आता है कि अगर हफ्ते भर के अंदर पैसा रिटर्न नहीं किए तो इस बार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं इधर जोशिया उसका चेक रिटर्न करते हुए कहती है, मुझे भी तुमसे कोई मतलब नहीं है और ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। थांग कहता है, इसका मतलब तुम्हें मेरे बॉडी से मतलब था। वह कहती है, तुम सिर्फ विदाउट कैरेक्टर एक रिच इंसान हो और कुछ नहीं। अब दोनों में बस चल ही रहा था कि तभी लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है। वहाँ एक आदमी को देखकर थांग जोशिया को अपने साथ लिफ्ट में ले घुसता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी वर्ल्ड फेमस ज्वेलरी डिजाइनर एलेक्स है, जो कि थांग के कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टनर है। यहाँ एलेक्स का नजर उन दोनों के लव बाइट पर जाता है, इसलिए वो थांग से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तब जोशिया कहने वाली होती है कि नहीं, वो इसे जानती तक नहीं है। कि थांग उसे किस कर लेता है और कहता है, थोड़ा कॉपरेट करो, ये काफी फेमस इंसान है, क्या तुम चाहती हो कि इसे हमारे वन नाइट स्टैंड के बारे पता चले। और इसलिए जोशिया भी आगे कुछ नहीं बोलती है। अब वो आदमी थोड़ा उशूलों वाला था, इसलिए थांग को यहाँ कहना पड़ता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि फियांसे है। नेक्स्ट दिन जोशिया को उसके माँ का कॉल आता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपना घर पहुँचती है। जहाँ पहुँचते ही उसके दादी उसे मारने लगती है। वह उसके फादर न्यूज देखते हैं, जहाँ दिखाया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की CEO उफ बिलेनियर थांग को एक मिस्टेरियस वुमन के साथ पहली बार देखा गया है। ये देख उसके पापा उसे घर से निकलने कहते हैं कि एक तो तुमने लोन नहीं चुकाया है, ऊपर से ऑलरेडी बीएफ होने के बावजूद रईस आदमी पर डोरे डाल रही हो। जोशिया कहती है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर उसके फादर कुछ नहीं सुनते हैं, इसलिए वो भी गुस्सा से घर से निकल जाती है। तभी उसका बीएफ जेके उसे कॉल करके कहता है कि उसने एक कोई से 1 मिलियन पैसे उधार लिए हैं और अगर हफ्ते भर के अंदर रिटर्न नहीं हुआ तो वे लोग उसका पैर तोड़ देंगे। जोशिया कहती है, तो इसलिए वे लोग तुम्हें ना पाकर मेरे घर पैसा मांगने आए थे। कोई नहीं, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जेके कहता है, तुम हफ्ते भर के अंदर पैसे जमा करने का कोशिश करो और हो जाए तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। वो सोचती है कि अब इतना जल्दी पैसे का इंतजाम कैसे करे। तब उसे एक कंपनी से कॉल आता है, जहां उसे बताया जाता है कि आर्चिव असिस्टेंट के पोजीशन के लिए उसने इंटरव्यू पास कर लिया है और अब वो काम पर आ सकती है। वहीं इधर हम थांग को मीटिंग में देखते हैं, जहां सभी डिस्कस करते हैं कि थांग का उस मिस्टेरियस वुमन के साथ र्यूमर के कारण उनके कंपनी का स्टॉक एकदम फ्रीज हो गया है। मिस्टर एलेक्स जैसे पार्टनर भी साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। थांग कहता है, बस बहुत हो गया, अगर मैंने 1 महीने के अंदर कंपनी को ट्रैक में नहीं लाया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस कंपनी के CEO के पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा। इसके बाद वो अपने मैनेजर को ऑर्डर देता है कि किसी भी कीमत में उस लड़की को ढूंढकर मेरे पास ले आए। और इधर हम जोशिया को उसी कंपनी में काम करते हुए देखते हैं, जहां वो ढेर सारा फाइल्स ले जा रही थी और इसी बीच दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक दूसरे को देखकर काफी शॉक्ड होते हैं। थांग उसे पकड़कर अपने ऑफिस ले जाता है। ये देख उसके मैनेजर थांग की दादी को कॉल करके बताती है कि थांग की गर्लफ्रेंड मिल गई है, पर लगता नहीं है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुन उसकी दादी जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं इधर जोशिया कहती है कि तुम इस कंपनी में क्या कर रहे हो। थांग कहता है, ये क्वेश्चन तो मेरा होना चाहिए था। वो कहती है, मुझे पता है तुम मेरा फॉलो कर रहे हो। थांग कहता है, फेस देखियो, मिरर में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो। और तभी जोशिया को पता चलता है कि ये इस कंपनी का CEO है। वो कहती है, पर मैंने सुना था कि यहाँ के CEO 70 ईयर्स ओल्ड के हैं। थांग कहता है, वो मेरी दादी थी, मैंने 1 मंथ पहले ही उनका पोजीशन लिया है। और अब वो जोशिया को ये कंपनी ही नहीं बल्कि ये शहर छोड़ने को कहता है, लेकिन वो कंपनी से रिजाइन देने से मना करती है। तब वो कहता है, या तो तुम खुद से ये कंपनी छोड़ दो या फिर मेरे पास हजारों तरीके हैं तुम्हें यहाँ से बाहर करने के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वजह से कोई और रूमर फैले। इसके बाद वो वॉशरूम जाकर अपना सारा गुस्सा निकालती है। तब तक से इधर थांग की दादी भी कंपनी पहुंच जाती है और थांग के ऑफिस की तरफ जाती है, जहां अचानक से उसे एंजाइटी होने लगता है।
वहीं उधर से जोशिया गुजर रही थी। जब वो उन्हें देखती है तो जाकर उनका हेल्प करती है। इसलिए थांग की दादी उससे कहती है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुमने मेरा हेल्प करा है तो मैं अपने पोते से तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देने कहूंगी। पर जोशिया कहती है, नहीं इसका कोई जरूरत नहीं है, आप ठीक है बस वही काफी है, वैसे भी मैं जल्द ही रिजाइन करने वाली हूँ। नेक्स्ट दिन दादी थांग से कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी डॉटर इन लॉ इसी कंपनी में काम करती है। थांग कहता है, आप फिर से डॉटर इन लॉ करने लग गए, मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है। उसकी दादी कहती है, आज तक हमारे फैमिली के किसी आदमी ने वन नाइट स्टैंड नहीं करा और तुमने कर लिया। थांग कहता है, दादी मैं भला ऐसा कर सकता हूँ क्या। वह कहती है, मैं जानती हूँ इसीलिए तो टेंशन में थी कि कहीं तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, पर अब जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो जल्दी से उसे शादी कर लो, क्योंकि इस कंपनी को बचाने के लिए और तुम्हारे लाइफ को हसीन बनाने के लिए तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। थांग कहता है, आजकल आपको ज्यादा ही ड्रामा देखने लग गई है। पर उसकी दादी कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें शादी करना ही होगा, ये मेरा ऑर्डर है, और मेरी डॉटर इन लॉ को आज रात मुझसे मिलवाने लाना, ये भी मेरा ऑर्डर है। अब थांग परेशान होकर जोशिया का डिटेल पता करने कहता है और फिर उसे अपने ऑफिस बुलाता है, जहाँ वो अपना रिजाइनेशन लेटर साथ लेते आती है। पर यहाँ तो उल्टा थांग उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो कहता है, तुम्हारे वजह से मेरे बारे पहली बार ऐसा र्यूमर फैला है कि कंपनी का पोजीशन काफी ऑकवर्ड सिचुएशन में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कॉपरेट करो ताकि मैं अनाउंस कर सकूँ कि हम लोग शादी करने वाले हैं, सिर्फ 6 महीने, फिर मैं तुम्हें $2 मिलियन कैश के साथ फ्री कर दूंगा। पर जोशिया ये कहते हुए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तब थांग उसे उल्टा पे करने कहता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें इतना बर्बाद कर दूंगा कि तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जोशिया को उसका बात मानना पड़ता है और यहाँ वो थांग के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है अपने एक कंडीशन के साथ कि ये फेक रिलेशनशिप सिर्फ 3 महीने तक ही चलेगा। और यहाँ अब थांग कहता है कि अब जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर ही दिया है तो अभी से तुम्हारा परफॉर्मेंस का टाइम स्टार्ट होता है और इसलिए आज रात तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। के बाद जोशिया कहती है, कहीं ये तुम्हारा हिडन प्लान तो नहीं है। तब वो कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर ना कल इंटरेस्ट था ना आज इंटरेस्ट है। अगले दिन जोशिया के टीम की सुपरवाइजर सभी टीम मेंबर को आज रात पार्टी देने वाली थी, पर जोशिया कहती है कि वो पार्टी में नहीं अटेंड हो पाएगी। इस पर सुपरवाइजर कहती है कि तुम न्यू एम्प्लॉय हो और स्टार्टिंग ये इस तरह का एटीट्यूड सही नहीं है। तभी वहाँ थांग आकर सबसे कहता है, बाकी सब पार्टी में जा सकते हो पर आज रात ये मेरे साथ डिनर करेगी, और उसे अपने ऑफिस ले जाता है। जोशिया कहती है, अभी तो हमने अपना रिलेशनशिप पब्लिक भी नहीं करा है और तुम सारे स्टाफ के सामने ऐसा कैसे कर सकते हो। तब थांग उसे एक ड्रेस देता है और चेंज करने कहता है। वह कहती है, लगता है इसका साइज थोड़ा छोटा होगा। थांग चिढ़ के कहता है, भले मैं उस रात ड्रंक था लेकिन मुझे तुम्हारा फिगर अच्छी तरह याद है। यह सुनकर वह काफी एम्बेरस होती है और चेंज करने चली जाती है। नेक्स्ट दिन थांग जोशिया को अपने दादी से मिलवाने लाता है, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन ये देख थांग बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसके दादी जोशिया से कहती है, क्या ये तुम्हें परेशान करता है या तुमसे बहुत ज्यादा काम करवाता है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब जोशिया कहती है, नहीं नहीं थांग तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे कुछ भी काम नहीं करवाता है, मैं तो बस दिन भर फाइल्स लेकर सीढ़ियों से उतरती चढ़ती रहती हूँ, सभी के लिए वाटर एंड फूड का सप्लाई करती हूँ बस। ये सुनकर दादी थांग से कहती है कि तुम मेरे डॉटर इन लॉ से इतना काम करवाते हो, अब से तुम्हें डेली घर आकर इसका बैक मसाज और पैर दबा देना होगा। थांग कहता है, मैं आपका अपना ग्रैंडसन हूँ, आप मुझ पे बिलीव कीजिए। लेकिन जोशिया तो अपने बातों से दादी को अपने तरफ कर ली थी, इसलिए थांग कहता है, ठीक है आप तो वर्ल्ड टूर पर जा रही हैं, जब आप वापस आएंगे तब तक मैं आपके डॉटर इन लॉ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तब दादी जोशिया से कहती है, तुम आज रात ही अपना सामान यहाँ शिफ्ट करो और आज से ही दोनों साथ रहना शुरू कर दो, ये मेरा ऑर्डर है। अब ये सुनकर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। वो उन दोनों को बैठाकर जोशिया से कहती है, तुम यहाँ शिफ्ट होने के बाद अपने अकॉर्डिंग किड्स रूम या बाकी रूम को डिजाइन कर सकती हो। वो कहती है, पर हमें अभी से साथ रहने का क्या जरूरत है, ऐसे भी अगर ऑफिस में सभी को पता चल जाएगा तो। उसकी दादी कहती है, डोंट वरी, हमारी कंपनी में एंटी ह्यूमन रूल नहीं है कि कोई ऑफिस रोमांस को अलाउ नहीं करेगा, मेरा खुद इसके दादा के साथ ऑफिस रिलेशनशिप था। फिर वो जोशिया को एडवाइस देती है कि मर्दों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए वरना उनमें बुरे इंटेंशन आने में देर नहीं लगता। थांग कहता है, ये आप क्या क्या बोले जा रही हैं। उसकी दादी उसे चुप कराकर जोशिया से कहती है कि तुम दोनों का इतना परफेक्ट मैच है कि तुम दोनों को तो अब तक से बेबी प्लान कर लेने चाहिए थे। खैर, पर ऐसा नहीं है कि मैं तुम दोनों पर प्रेशर डाल रही हूँ, लेकिन जोशिया तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा ग्रैंडसन थोड़ा जिद्दी है, मैं चाहती हूँ तुम इसे सीधा करो। थांग कहता है, आप अपने ही ग्रैंडसन का इंसल्ट कैसे कर सकती हैं। और तभी उनके वहाँ की सर्वेंट कहती है, मैडम आपके जाने का टाइम हो गया है। इसके बाद दादी जी उनसे कहती है, मैं अपना घर और कंपनी तुम दोनों के सारे छोड़े जा रही हूँ, अच्छे से जाना और साथ रहना। थांग कहता है, आप तो नेक्स्ट मंथ टूर पर जाने वाली थी। दादी कहती है, हाँ लेकिन अब तुमने कंपनी का जिम्मा अपने सर ले लिया है और मुझे मेरी डॉटर इन लॉ भी मिल गई है, इसलिए मैं आज ही निकल रही हूँ, लेकिन तुम दोनों इतना दूर दूर क्यों हो। ये सुनकर दोनों चिपक जाते हैं और दादी के जाने पर लड़ने भी शुरू हो जाते हैं।
वह अपने मेट से कहती है कि इन दोनों के हर एक्टिविटी का रिपोर्ट मुझे देते रहना। नेक्स्ट दिन उसकी दादी उनके लिए एक फेस रिकॉग्निशन सेट करती है और उन्हें कहती है कि एवरी नाइट तुम दोनों को यहाँ दर्शन देना होगा। फिर उन्हें अपने बेडरूम जाने कहती है, जहाँ जाकर वे देखते हैं कि बेड एकदम फ्लावर और कैंडल से सजा हुआ है। वह कहती है, क्या तुम्हारी दादी तुम्हारे सभी गर्लफ्रेंड्स के लिए ऐसा ही ट्रीट करती है? जहाँ वह कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आज तक किसी लड़की को अपने घर नहीं लाया। जोशिया कहती है, इतना हैंडसम रही शियो अब तक से सिंगल कैसे हो सकता है? वह कहता है, पता नहीं दादी किस तरह का बेकार ड्रामा देखती रहती है। तब जोशिया बेड में रखा ड्रेस उठाते हुए कहती है, वाओ दादी का टेस्ट तो एकदम जीनियस है, पर इसे पहनूं कैसे? थांग इतना शॉर्ट कपड़ा देखकर उसे पहनने से मना करता है। तब वह उसे टीज करती है कि क्या तुम साई कर रहे हो? वह कहता है, तुम और मैं दोनों ही एडल्ट हैं और हमें नाइट साथ गुजारना है, इसलिए अपने वर्ड और एक्शन पर कंट्रोल रखो। इसके बाद वह कहती है, ठीक है पर हम दोनों सोएंगे कहाँ? वह कहता है, मैं बेड पर सोऊंगा तुम जमीन पर। वह कहते रह जाती है कि वह जमीन पर कैसे सो पाएगी, पर थांग उसका एक नहीं सुनता है। इसके बाद जब वह फ्रेश होने जाता है तो जोशिया इतना अच्छा बेड देखकर उसमें लेट ही जाती है और थांग से कहती है, तुम्हारी दादी ने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट टास्क दिया है, उसके बारे क्या विचार है? क्या तुम किसी अनाथालय से बच्चा अडॉप्ट करने वाले हो या अपने पावर और पैसों का यूज करके कोई और लड़की ढूंढने वाले हो? उसके बातों से इरिटेट होकर थांग उसके ब्लैंकेट में घुस जाता है और कहता है, दूसरी लड़की ढूंढने का क्या जरूरत है जब ऑलरेडी लड़की मेरे पास है? जोशिया कहती है कि मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ और मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं होंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। थांग कहता है, जब तुम इतना सेल्फ अवेयर हो तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और उसे बेड से गिरा देता है। अगले दिन थांग अपने घर से वीडियो कॉल पर मीटिंग में था, जहाँ पीछे से जोशिया का बैकग्राउंड आवाज आता है कि मुझे टॉल नहीं मिल रहा, टॉल दो। कुछ देर बाद वह बाहर निकलकर एक्सरसाइज करने लगती है। ये देख थांग मीटिंग ओवर करता है और उससे कहता है, थांग फैमिली की डॉटर इन लॉ जैसा कुछ तो बिहेव करो। वह कहती है, कहाँ से करूंगी, डेली मुझे जमीन पर सोना पड़ता है, घास फूस खाना पड़ता है, मुझ में इतना ज्यादा एक्टिंग करने की एनर्जी नहीं है। फिर थांग अपने मैनेजर को कॉल करके पूछता है कि एंगेजमेंट का सारा तैयारी हुआ या नहीं। नेक्स्ट दिन जोशिया के फ्रेंड को न्यूज के थ्रू पता चलता है कि थांग और जोशिया का एंगेजमेंट होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम जयकाई को गैम्बलिंग करते हुए देखते हैं, जहां उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हारा तो लाइफ मस्त चल रहा है, ऐसी गर्लफ्रेंड है कि पैसा तुम्हारे ऊपर लुटाते रहती है। तभी जोशिया की फ्रेंड उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम गैम्बलिंग करते रहो और उधर तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही है। फिर वह कहती है, तुम्हें पैसा कमाना है तो मेरे पास एक प्लान है। नेक्स्ट दिन हम सभी को एंगेजमेंट पार्टी में देखते हैं, जहां जब थांग उसे रिंग पहनाता है तो वह कहती है, इतना छोटा रिंग, मुझे लगा कि कोई बड़ा सा डायमंड रिंग दोगे। वह कहता है, हाँ क्यों नहीं, शादी होने दो, फिर डायमंड से भर दूंगा। फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, जिसके बाद तो दोनों में किसिंग होता है, जहां वह कहती है कि तुम किसी ड्रामा के एक्टर से कम नहीं लग रहे, बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेते हो। थांग कहता है, तुम भी काफी अच्छा एक्टिंग कर लेती हो, बट अफसोस कि तुम ड्रामा के फीमेल लीड नहीं हो सकती। नेक्स्ट दिन जोशिया की फ्रेंड उसे कहती है, थांग मेरा बीएफ है और हम दोनों काफी टाइम से रिलेशनशिप में है, इसलिए तुम थांग को गिव अप कर दो और वैसे भी तुम तो जयकाई के साथ रिलेशनशिप में हो। पर तभी थांग आता है और एक वीडियो दिखाते हुए कहता है, इस कंपनी की मॉडल मिस शाओ तंग का इस वीडियो के बारे क्या एक्सप्लेनेशन है? जहाँ उसकी फ्रेंड वो वीडियो देखकर काफी शॉक्ड होती है और यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ उस रात थांग और एलेक्स के बीच एक नया कॉन्ट्रैक्ट डील होता है और यहाँ जोशिया के फ्रेंड थांग के ड्रिंक में कुछ चुपके से मिला देती है, जिसको पीकर थांग होश में नहीं रहता है। ये सब वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वह थांग को लाइक करती थी और वो उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी, पर उसी टाइम उसे एक लाइव फैशन शो से इन्वाइट किया जाता है और ये उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट था और इसलिए वो जोशिया को थांग के रूम भेज देती है। यहाँ जोशिया कहती है, तुम मेरी फ्रेंड होने के बावजूद मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसकी फ्रेंड कहती है, क्योंकि मैं थांग को लाइक करती हूँ। उस दिन सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, पर उसी टाइम मुझे इतना बड़ा ऑफर मिला जिसको मैं नहीं छोड़ सकती थी, पर इधर ऑलरेडी थांग ने ड्रिंक कर लिया था और मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी और के साथ इंटीमेट हो, इसलिए मैंने तुम्हें उसके रूम भेज दिया क्योंकि ऐसे भी तुम प्योर हो और मुझे पता था कि तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो तुम उसे बहस नहीं करोगी। ये सब सुनने के बाद थांग उसे अपने कंपनी से फायर कर देता है और अब इधर जोशिया और थांग के बीच सारा गलतफहमी दूर हो जाता है। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं क्योंकि उस रात जो भी हुआ उन दोनों में से किसी का गलती नहीं था। यहाँ जोशिया कहती है, अब जब हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया है तो एक फ्रेंड से भक्त तो बनता है। थांग जोशिया से कहता है, वैसे तुम्हारे लिए दिक्कत है क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी यही है। अब क्योंकि जोशिया भी अब तक अपने बॉयफ्रेंड जयकाई से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं की थी, इसलिए वो उसके पास जाती है, पर थांग उसे रोकता है और कहता है, पहले सुन तो लो वे क्या बातें कर रहे हैं। और इधर शाओ तंग जयकाई से कहती है, मैंने तुम्हें पैसे कमाने का ऑफर दिया था पर तुमने मिस कर दिया। जयकाई कहता है, मिस नहीं किया है बल्कि बड़ा अपॉर्चुनिटी हाथ लगा है। जोशिया से ब्रेकअप करने का थांग मुझे मोटा रकम पे करने वाला है। एक्चुअली थांग को पहले से ही जयकाई और शाओ तंग का प्लान पता चल गया था, इसलिए वो जयकाई को पैसों का ऑफर देता है कि जोशिया से ब्रेकअप कर लो और एंगेजमेंट पार्टी को स्मूथली चलने दो, बदले में मैं तुम्हें ब्रेकअप फी पे कर दूंगा। और इसलिए शाओ तंग का प्लान छोड़कर जयकाई थांग का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है।
शाओतंग कहती है तुम्हें क्या लगता है उसने कहा और वो तुम्हें पैसे दे देगा। जेकाय कहता है ऐसे भी वो दूसरा निशाना है, पहला तो जुशिया है, अगर मैं उसे कहूंगा तो वो गिरते पड़ते मेरे पास आएगी, उसे मैं जो कहूंगा वो वही करेगी। वही इधर थांग जुशिया से कहता है अब तुम्ही डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। ये सब सुन जुशिया उसके पास जाती है और जेकाय को एक थप्पड़ लगा ही देती है और कहती है तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया है, तुम बस पैसों के लिए मुझे यूज करते रहे हो। तुम्हारे लिए लोन के वजह से मेरे फैमिली को डराया जाता है, मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ ताकि तुम्हारा लोन पे कर सकूं, पर तुम्हें तो मेरा कोई परवाह ही नहीं है। जेकाय कहता है तुम अब जो लाइफ एंजॉय करने वाली हो वो सब मेरे वजह से ही करोगी, और अगर अभी मैं कोई बखेड़ा खड़ा कर दूं तो तुम्हें वो थांग कभी एक्सेप्ट भी नहीं करने वाला, इसलिए इस ऐसो आराम का लाइफ ऑफर करने के लिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। उसके बातों से जुशिया का आंसू अब रुकता नहीं है। तभी थांग आकर जुशिया को वहां से जाने कहता है, जिसके बाद जेकाय कहता है अब तो मेरा जुशिया के साथ कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, इसलिए मुझे मेरा ब्रेकअप भी दे दो। तब थांग उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स का कॉपी दिखाता है जिसमें उसका गैम्बलिंग डेब्ट और लोन पेपर था, और इसमें उसने जुशिया को एज अ गारंटर के रूप में रखा था, वो भी उसे बिना बताए। जेकाय कहता है ये सब का क्या मतलब है। जहाँ थांग कहता है इन सब का ओरिजिनल कॉपी मैं तुम्हारे कंपनी भेजने वाला हूँ। तब जेकाय कहता है तो तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। थांग कहता है अगर तुम मुझे धमकाने का कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें जेल भी भेज सकता हूं। अब जेकाय भी समझ जाता है कि इतने बड़े रईस इंसान से पंगा लेना बेकार है, इसलिए वो चला जाता है। इसके बाद थांग देखता है कि जुशिया वहीं उनका बातें सुन रही थी। वो कहता है तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मैं उसे मारूंगा। फिर वो उसे डिनर के लिए ऑफर करता है जहाँ वो कहती है कि अभी उसे ड्रिंक करना है। नेक्स्ट दिन वो रोड साइड से ढेर सारा खाना और ड्रिंक लाती है जिसको वो एंजॉय करके अब काफी रिलैक्स फील करती है। थांग कहता है तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी सेटिस्फाइड हो जाती हो, और उसका बचा हुआ चिकन खाता है। वो कहती है तुम बॉस होकर मेरा जूठा खाना कैसे खा सकते हो। तो वो कहता है मैंने देखा कि ये तुम्हारे लिप्स से टच नहीं हुआ था। इसके बाद वो कहती है कि तुम इतना ओवरबियरिंग बॉस हो और रोड साइड का खाना खा रहे हो। तब थांग कहता है तुम भी मतलब मेरा दादी जैसा बेकार रोमांटिक ड्रामा देखती हो। इसके बाद वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और चिल्ला चिल्ला कर जेकाय और उसकी फ्रेंड को गाली देती है। फिर उसे पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। फिर वो कहती है मैं उन्हें पीस पीस करूंगी और टोक्यो रिफ्ट वैली में फेंक दूंगी। तब थांग कहता है वो ग्रेट रिफ्ट वैली है ना कि टोक्यो रिफ्ट वैली। ये सुनकर जोशिया गुस्सा से उसके तरफ देखती है और उसे सोफे पर पिन करते हुए कहती है जेकाय मैं स्टूपिड थी जो तुमसे प्यार करती थी, अच्छा हुआ उस रात तुम नहीं थे वरना मुझे और ज्यादा बुरा लगता। ड्रिंक करने के बाद उसका इस तरह एक्टिविटी देख थांग परेशान हो जाता है। इसी बीच वो उसके ऊपर गिर जाती है और ना चाहते हुए भी थांग उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो उसका लिप को टच कर रहा था तभी जुशिया उसका उंगली अपने मुंह पर घुसा लेती है और छोड़ती ही नहीं है। वो कहता है कि तुम डॉगी जैसा बिहेव क्यों कर रही हो। फिर उसे उठाता है और अब क्योंकि दादी ने फेस रिकॉग्निशन सेंसर सेट करा था तो वो किसी तरह वो टास्क कंप्लीट करता है। अगले सीन हम देखते हैं वो जुशिया के बारे सोच रहा था। इसके बाद वो फ्रेश होकर निकलता है जहाँ फिर से वो जुशिया के इनोसेंट फेस से अट्रैक्ट होने लगता है। पर तभी जुशिया को वॉमिटिंग आता है और उठने के दौरान वो थांग का अंडरवियर देख लेती है जिसमें एलिफेंट प्रिंटेड था, और क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक थी इसलिए वो एलिफेंट चिल्लाने लगती है। थांग उसे रोकने का काफी कोशिश करता है पर वो उसे बेड में पिन करती है और किस करती है, और अब थांग भी फ्लो में बह जाता है। लेकिन फिर उसे लगता है कि नहीं अभी ये ड्रंक है और इसलिए अभी इस सिचुएशन का एडवांटेज लेना सही नहीं है, और उसे अपने से दूर करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो थांग से कहती है लगता है कल तुमने फेक वाइन खरीदा था। थांग कहता है एक पैक में ही तुम्हें होश नहीं था और कर यो फेक वाइन खरीदा था। वैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर एक और कंडीशन ऐड करा है और कंडीशन ये था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक वो ड्रिंक नहीं करेगी। जोशिया कहती है क्या मैं कल रात ड्रिंक करके तुमसे फाइट कर रही थी, प्रॉमिस अब से ड्रिंक नहीं करूंगी। और अब वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है और कहती है अब से मैं अपने करियर पर फोकस करूंगी। फिर कहती है कल के लिए थैंक यू, तुम थोड़े खड़ूस जरूर हो पर दिल के अच्छे हो। थांग कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाऊं तो रेडी होने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट है। ये सुनकर वो तैयार होने चली जाती है। नेक्स्ट दिन वो ऑफिस पहुंचती है तो सब उसे रेस्पेक्ट से वेलकम करते हैं। उसकी कोवर्कर कहती है कि कल ही तो तुम्हारा एंगेजमेंट था और आज ही काम पर आने का क्या जरूरत है, कुछ दिन ब्रेक ले लेती। जुशिया कहती है नहीं कोई बात नहीं, पर हम देखते हैं जुशिया को तो कोई कुछ काम करने ही नहीं दे रहा था। आफ्टर ऑल अब वो सबके लिए ऑफिशियली सीईओ की फियांसे जो है, वो अपने सुपरवाइजर से जबरदस्ती कोई काम मांगती है जहां वो खोज के सबसे इजी टास्क उसे देता है। तभी उसकी सीनियर आकर कहती है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में स्टाफ का कमी है, क्या कोई वहां काम करना चाहेगा। पर कोई भी स्टाफ इस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है जबकि जुशिया काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हो रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी सीनियर उसे वो टास्क दे देती है। इधर उसकी कुछ कोवर्कर कहती है कि तुम्हें अगर हेल्प चाहिए होगा तो हमें बोलना, पर दूसरी तरफ वही कोवर्कर जुशिया के बारे चुगली करती है कि अब जब वो इतनी बड़ी सीईओ की वाइफ है तो इतना अच्छा लाइफ एंजॉय करने छोड़ काम करने के लिए मरी जा रही है, पता नहीं अपने आप को क्या प्रूव करना चाहती है।
दूसरी को वर्कर कहती है कि वो अभी सिर्फ उसके फियांसे है, इसलिए बॉस का अटेंशन पाने का ट्राई कर रही है। पर मेरे हिसाब से बॉस के लिए उसके मैनेजर जैसी लड़की मस्त है। दूसरी कहती है उसकी जैसी नॉर्मल लड़की सिवाय लड़कों को अट्रैक्ट करने के अलावा और करी क्या सकती है। और इधर जोशिया वॉशरूम से उनका बातें सुन रही थी। वो कहती है लगता है अपने आप को प्रूव करना ही होगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। और अब हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती है, ऑफिस में तो करती ही है घर में भी करते रहती है। अब थांग उसे हर वक्त काम करते हुए ही पाता है। उसके काम के वजह से अब वो परेशान होने लगता है क्योंकि वो काम पर ही इतना ज्यादा फोकस कर रही थी कि अपना ख्याल इन्हें रख रही थी और इसलिए उसका ख्याल थांग को रखना पड़ रहा था। नेक्स्ट दिन एक रात थांग को वो मैसेज करती है कि आज काम काफी ज्यादा है तो आज घर नहीं जा पाऊंगी। और इधर हम देखते हैं थांग उसका वेट करते करते सो जाता है। सुबह उठकर वो उसका मैसेज देखता है और कहता है बस बहुत हो गया। वहीं दर्श सारा रात काम करने के बाद वो अपना काम कंप्लीट कर थोड़ा देर के लिए वॉशरूम जाती है। उसी टाइम हम थांग के मैनेजर को उसका डेस्क आते हुए देखते हैं। नेक्स्ट दिन सुपरवाइजर जोशिया से कहती है क्या तुमने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिया है। तो वो कहती है हाँ मैं आपको अभी फाइल सेंड कर देती हूँ। पर उसे अपने लैपटॉप में वो फाइल्स नहीं मिलता है। तब सुपरवाइजर कहती है छोड़ो ऐसे भी ये जरूरी नहीं था कि तुम ये टास्क अच्छे से कंप्लीट करो। जोशिया कहती है कि उसने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे और जब वो उठती है तो चकरा के गिनने वाली होती है कि थांग आकर उसे पकड़ लेता है और अपने एम्प्लॉय से कहता है जल्दी से डॉक्टर को कॉल करे। अगले दिन डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि घबराने वाला कोई बात नहीं है, थोड़ा बीपी लो है, इनसफिशिएंट नीड के कारण ऐसा हुआ, पर मैंने मेडिसिन दे दिया है। इसके बाद थांग उसके पास जाकर बैठता है। जब जोशी आँख खोलती है तो वो अपने आप को उसके ऑफिस में देखकर कहती है मैं यहाँ क्यों सो रही हूँ। थांग कहता है रात भर घर से बाहर रहना और सैलरी के साथ काम पर सोना तो कोई तुमसे सीखे। वह कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हूँ इसलिए यहीं रहकर टाइम से काम कंप्लीट कर रही थी। बाय द वे मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे। थांग कहता है फिर से जाकर अपना लैपटॉप चेक करो। और जब वो फिर से अपना लैपटॉप चेक करती है तो उसमें उसके सारे फाइल्स थे। थांग कहता है तुम्हारे डिलीट हुए सारे फाइल्स रिकवर कर लिए गए हैं। फिर कहता है अब से अगर कहीं जाओगी तो अपना स्क्रीन लॉक करने नहीं भूलना। तब जोशिया उसे थोड़ा टीज करती है जिसके बाद वो कहता है कल से तुम सीईओ के ऑफिस में ट्रांसफर होने वाली हो और तुम्हें एज ए मेरे पर्सनल असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम करना होगा जहां एनुअल सैलरी डबल होगा। जोशिया कहती है लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूं। फिर कहती है इससे पहले जो तुम्हारी मैनेजर थी उसका क्या होगा। जहां थांग कहता है कि उसे मैंने कंपनी से निकाल दिया है क्योंकि उसी ने तुम्हारे कंप्यूटर से सारे फाइल्स डिलीट करे थे। वो कहती है पर उसने ऐसा क्यों किया था। तब थांग उसे कहता है कि तुम कहीं भी रहो दूसरों पर नजर रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट दिन हम सभी को मीटिंग में देखते हैं जहां मीटिंग ओवर होने के बाद जोशिया देखती है कि वो अपना नोटबुक वहीं छोड़े रखी है। वहीं इधर एक लड़की थांग से कहती है बॉस मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से न्यू इंटर्न हूँ, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है, क्या मैं कर सकती हूँ। और थांग से काफी क्लोज होने लगती है। तभी वहाँ जोशिया पहुँच जाती है। थांग इशारा करता है कि इसे पीछा छुड़ा दो मेरा। तब वो उसके पास आकर थांग से कहती है हनी तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि तुम मेरे साथ लंच करोगे। फिर उस लड़की से कहती है कि न्यू इंटर्न होकर तुम्हें डायरेक्ट प्रेसिडेंट से डिस्कस करने का परमिशन किसने दिया, तुम्हें पता होना चाहिए कि न्यू इंटर्न को पहले अपने सुपरवाइजर से रिपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। तब थांग जोशिया से कहता है तुम तो काफी अच्छा एक्टिंग कर लेती हो। तब जोशिया थांग को चेयर में पिन करती है और कहती है क्या एज ए सीईओ के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में मुझे अपने बॉस के साथ रोमांटिक ड्रामा करना भी मेरे काम का ही पार्ट है। थांग कहता है कुछ ऐसा ही समझो। वो कहती है बिल्कुल नहीं, इन सब के लिए अलग से पैसे लगेंगे। फिर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें ज्यादा पे करूंगा, बस तुम अपना सर्विस बढ़ाते जाना। जोशिया कहती है मैं पैसों के लिए अपना बॉडी नहीं बेचने वाली। थांग कहता है प्राइस डबल कर दूं तो क्या विचार है। वो उसका पीछा छुड़ाने के लिए अपने एक सीनियर के पास जाकर कहती है कि मीटिंग में इस टॉपिक के डिस्कशन के बारे मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या तुम मुझे समझा दोगे। वो सीनियर कहता है हाँ क्यों नहीं। तब थांग उनके बीच आकर उसे कहता है क्या तुम्हारा अपना टास्क कंप्लीट हो चुका है जो अब तुम दूसरों को समझाने लग रहे हो, और इसलिए वो वहां से चला जाता है। थांग जोशिया से कहता है कि मीटिंग में मैं भी था, तुम मुझसे भी पूछ सकती हो। वो कहती है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाता है जिसके बाद थांग कहता है कॉन्ट्रैक्ट के रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें दूसरे लड़कों की तरफ ध्यान नहीं देना है वरना तुम्हारे पैसे काट लिए जाएंगे। वह कहती है ठीक है अब से मेरी नजरों में सिर्फ तुम ही रहोगे, तुम जो बोलोगे वही करूंगी। बाय द वे तुम्हें आज किसी से मिलना है, मू ग्रुप के सीईओ मिस्टर मू से। नेक्स्ट दिन हम थांग को जोशिया और मिस्टर मू के साथ देखते हैं। यहाँ वो अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में बताता है जो ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड था। यहाँ जोशिया भी अपना ओपिनियन शेयर करती है जिसके बाद थांग कहता है हमें तुम्हारे साथ काम करने में अच्छा लगेगा। यहाँ मिस्टर मू जोशिया को देखते हुए सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि किसी का चेहरा इतना मिलता जुलता है। अगले दिन थांग से बिजनेस का बातें करने के बाद जोशिया उसे बाहर तक छोड़ने जाती है जहाँ मिस्टर मू कहता है तुम्हें सीईओ की फियांसे होकर काम करने का क्या जरूरत है। जहाँ वो कहती है कि कम्प्लीटली हाउसवाइफ होना भी सही है मगर काम करके सेल्फ डिपेंडेंट होना भी गलत नहीं है। फिर मिस्टर मू पूछता है कि क्या तुम कभी योनसिंग गई हो। तो वो कहती है नहीं, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो।
जहाँ मिस्टर मू बात पलटाते हुए कहता है कि नहीं, वो तुम्हें देखकर लगा कि जैसे तुम्हारे साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप है। इसके बाद वो सोचता है कि मैं क्या क्या सोचे जा रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं इधर थांग को एक कॉल आता है जहाँ बताया जाता है कि जियांग जीसी ने अपना फी रिड्यूस कर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया है। अब ये कौन है और जोशिया का मिस्टर मू के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये तो आगे ही पता चलेगा। वेल, नेक्स्ट इन जोशिया थांग को उसका शेड्यूल बताती है। वो बताती है कि तुम्हें 1 बजे मिस्टर मू से मिलना है बिजनेस रिलेटेड डिस्कस करने के लिए। इसके बाद रात में जियांग जीसी के साथ इंटरव्यू है जहां तुम्हें अपने कंपनी को पर्सनली रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद जियांग जीसी के साथ पार्टनरशिप का ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना है। थांग कहता है ठीक है। फिर वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस भी डिसाइड कर रखा है, इसमें तुम अच्छे लगोगे। और उसके क्लोज होकर उसका टाई ठीक करती है, जहां थांग उसे बस देखते रह जाता है और कहता है आई थिंक तुम पर्सनल असिस्टेंट के रूप में एकदम परफेक्ट हो। जोशिया कहती है वेट, तुमने अभी अभी मेरा तारीफ करा, ये तो बड़ा रेयर केस है कि तुम मेरा तारीफ कर रहे हो। थांग कहता है ज्यादा प्राउड फील करने का जरूरत नहीं है। और इधर जोशिया उसका इतना क्लोज होती है कि थांग ना तो कुछ कह पाता है और ना ही कुछ कर पाता है। अगले सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर मू अपने असिस्टेंट से मस्टर्ड टी पेस्ट्री मंगवाता है, जहां उसका असिस्टेंट कहता है ये पेस्ट्रीज तो मैडम रूयू को पसंद था। जहां मिस्टर मू कहता है हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये उसे भी पसंद आएगा या नहीं। और तभी वहाँ थांग और जोशिया पहुँचते हैं। उसका असिस्टेंट जोशिया को देखकर कहता है ये तो एकदम मैडम रूयू जैसी दिख रही है। इसके बाद वे अपने बिजनेस मैटर पर डिस्कस करने लगते हैं, जहां हमें ये तो पता था कि इन दोनों कंपनी आपस में पार्टनरशिप कर अपना बिजनेस थ्रेड को बढ़ाने वाले हैं, पर यहां हमें ये भी पता चलता है कि इनके प्रोडक्ट की स्पोक पर्सन जियांग जीसी होने वाली है। और यहां हम देखते हैं कि मिस्टर मू और जोशिया का आपस में बातें करना थांग को जेलस फील कराता है, इसलिए थांग उसे याद दिलाता है कि ये मेरी फियांसे है। इसी बीच जोशिया एक मस्टर्ड टी पेस्ट्री का एक पीस ट्राई करती है। नेक्स्ट दिन जब वे जाने लगते हैं तो मिस्टर मू जोशिया से पूछता है कि तुम्हें वो पेस्ट्रीज कैसे लगे, जहां वो उन पेस्ट्रीज का काफी तारीफ करती है। ये सुनकर जेलसी से थांग कहता है लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें डूरियन केक पसंद है। जोशिया उसे शांत रहने कहती है। इसके बाद मिस्टर मू उसे कहता है मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पैक करवा रखा था। पर हम देखते हैं इधर जोशिया अपना माउथ फ्रेश करती है। थांग कहता है ये क्या है, तुमने तो कहा तुम्हें ये पसंद है। तो वो कहती है कहना पड़ता है बिजनेस के लिए, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। थांग सोचता है गजब लड़की है। नेक्स्ट सीन हम जियांग जीसी को देखते हैं जिसका फोटो शूट चल रहा होता है। उसे देख जोशिया कहती है वाओ कितनी ब्यूटीफुल है। फिर थांग से पूछती है अच्छा बताओ तुम्हें मैं कब ब्यूटीफुल लगती हूँ। थांग कहता है जब तुम बात नहीं करती हो। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें मैं कब हैंडसम लगता हूँ। तब वो कहती है जब तुम मुझे सैलरी देते हो। तब थांग उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है, ये देख वो काफी खुश होती है। पर जब वो चेक करती है तो देखती है उसने सिर्फ 1 रुपया ही ट्रांसफर करा है। थांग कहता है लगता है कुछ ज्यादा ही ट्रांसफर कर दिया। फिर एक स्टाफ आकर थांग से कहता है कि इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, जिसके बाद हम उन्हें इंटरव्यू में देखते हैं, जहां एक स्टाफ उन्हें कॉफी सर्व करती है। तब जियांग उसे कहती है कि थांग के लिए 1 कप विदाउट मिल्क टी ले आओ। ये सुन थांग सोचता है इसे कैसे पता मुझे क्या चाहिए। फिर थांग जोशिया को इशारा करता है कि पास आकर मोबाइल ले ले, पर वो इशारा समझ ही नहीं रही थी। तब जियांग एक टिश्यू पेपर निकालती है और उसे अपना मोबाइल उस पर रखने कहती है। थांग सोचता है इसे मेरे छोटा छोटा हैबिट के बारे कैसे पता। इसके बाद उनका इंटरव्यू खत्म होता है और रिपोर्टर साथ में उन दोनों का कुछ फोटो लेते हैं। नेक्स्ट इन जोशिया जियांग से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ, जहाँ वो हाँ कहती है। फिर उसे थांग के साथ उसका एक फोटो लेने कहती है, लेकिन थांग को सिंगल उसके साथ फोटो लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो जोशिया को भी साथ ले लेता है। इसके बाद वो जियांग से पूछता है कि क्या हम लोग कभी पहले मिले हैं, जहाँ वो कहती है हाँ शायद पिछले जन्म में। थांग कहता है अच्छा मजाक कर लेती हो। इसके बाद थांग जोशिया से कहता है मैं जियांग जोशिया से कभी नहीं मिला, पर ऐसा फील हो रहा है जैसे उससे कुछ कनेक्शन है मेरा। फिर कहता है मुझे अपना पर्सनल स्टफ पब्लिक प्लेस पर रखना पसंद नहीं है और ये उसे पता था, क्या ये कोइंसिडेंस था। तो वह कहती है ये बात तो है, इवन मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे काम करती हूँ, पर मैंने ये तुम्हारे इस हैबिट को कभी नोटिस नहीं करा। फिर उसे टीज करती है कि कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करने लग गए। इस पर थांग कहता है क्यों जेलस हो रही हो, और फिर उनका बस चलता रहता है। वहीं इधर जियांग अपना और थांग का फोटो अपने सोशल साइट पर पोस्ट करती है, जहाँ उसके फैन फॉलोवर्स कमेंट करना शुरू करते हैं कि इन दोनों का जोड़ी कितना परफेक्ट है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, काफी क्यूट कपल है। इस तरह का हजारों पॉजिटिव कमेंट आने लगते हैं जिसे पढ़कर वो काफी खुश होती है। और यहाँ वो एक फोटो देखती है जिसमें एक लड़के के साथ थांग का पिक्चर था। वहीं इधर जोशिया कुछ बिजनेस रिलेटेड मैटर पर डिस्कस करने मिस्टर मू के कंपनी जाती है। यहाँ वो मिस्टर मू के वेट के दौरान अपना मोबाइल चेक करती है, जहाँ उसके बारे सिर्फ नेगेटिव कमेंट थे कि तुम अपने आप को थांग के जैसे रिच सीईओ के लायक समझती कैसी हो, तुम जियांग जैसे ब्यूटीफुल भी नहीं हो, सेमलेस हो। इस तरह के हजारों नेगेटिव कमेंट पढ़कर उसका मूड ऑफ हो जाता है। तभी वहाँ मिस्टर मू आता है, जहाँ वो जोशिया का सैड चेहरा देखकर समझ जाता है कि ये पक्का नेगेटिव कमेंट्स के वजह से इसे काफी बुरा लगा होगा। वो कहता है शायद तुम थांग से काफी ज्यादा प्यार करती हो। वो सोचती है क्या मैं सच में उसे लाइक करने लगी हूँ या अपने कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही घुस गई हूँ।
अब यहाँ मिस्टर मुंह अपने बातों से उसे कंफर्टेबल कराता है और जोशिया से कहता है, अगर तुम्हें कोई परेशानी या कुछ भी शेयर करना हो तो मुझसे करना, आफ्टर ऑल अब हम दोनों फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। उसके बातों से अब जोशिया काफी बेटर फील करती है। जोशिया के जाने के बाद वो अपने स्क्रीन का वॉलपेपर देखते हुए सोचता है, रूयो मुझे पता है तुम्ही ने जोशिया को मेरे पास भेजा है ताकि वो मेरे साथ रह सके। वहीं दूसरी तरफ थांग जोशिया से कहता है कि जब से हमने ऑफिशियली स्पोक पर्सन का अनाउंसमेंट किया है तब से हमारे प्रोडक्ट का सेल्स काफी ज्यादा हो रहा है। कंपनी के प्रॉफिट में तुमने काफी मेहनत करा है इसलिए इस साल के एंड में मैं तुम्हें डबल बोनस दूंगा। पर यह सुनने के बाद भी वो चुपचाप से वहां से चली जाती है। थांग सोचता है ये फर्स्ट टाइम है जब ये पैसों का बात सुनकर भी खुश नहीं है। इसके बाद वो सोचती है क्या मैं सच में थांग को लाइक करने लगी हूँ। और तभी जियांग उसे मैसेज कर मिलने बुलाती है। जब वो उसे मिलती है तो जियांग कहती है, सॉरी मेरे पोस्ट के वजह से तुम्हें इतने हेटफुल कमेंट देखने को मिल रहे हैं, तुम इन कमेंट्स के वजह से जरूर डिस्टर्ब हो रही होगी। तब जोशिया कहती है, नहीं मैं तुम्हारे ऊपर ब्लेम कैसे डाल सकती हूँ, ऐसे भी उन कमेंट्स का कोई सेंस नहीं बनता है और ना ही उससे मुझे कोई फर्क पड़ रहा है। फिर जियांग कहती है, पर क्या तुम्हारे और थांग के बीच सब कुछ सही चल रहा है? जहाँ वो कहती है वो अभी रिसेंट सेल्स में काफी बिजी है इसलिए उसे बात करने का टाइम ही नहीं मिला है। इस पर जियांग कहती है, इसका मतलब तुम तो परेशान ही होगी और इनसिक्योर भी फील कर रही होगी। और इस तरह अपने चिकनी चुपड़ी बातों से वो जोशिया का भरोसा जीत लेती है और उसे कहती है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी लव एडवाइजर बन जाऊँ? और उसे एडवाइस देती है कि जब वो काम से थक जाए तो उसे एक गिलास हॉट मिल्क देना। यह हम समझ पाते हैं कि जियांग जानती है कि मिल्क उसे पसंद नहीं है फिर भी वो उसे मिल्क देने का एडवाइस देती है। वहीं इधर दिन भर के कामों से फ्री होकर अब थांग का नजर उन नेगेटिव कमेंट्स पर जाता है जिसे पढ़कर उसे भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपने पीआर और लीगल डिपार्टमेंट को इस मैटर को हैंडल करने कहता है। तभी वहां जोशिया थांग के लिए पेस्ट्रीज लाती है। थांग कहता है, पूरा दिन इग्नोर करने के बाद अब जाकर स्माइल कर रही हो? तब वो कहती है, एक्चुअली दिन भर में एक छोटे से मैटर के वजह से डिस्टर्ब थी पर अब मैं ठीक हूँ। थांग उसके पास जाकर कहता है कि लोगों के हेटफुल और नेगेटिव बातों को बियर्ड करना क्या ये छोटा सा मैटर है? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, आफ्टर ऑल तुम मेरी फियांसे हो, भले ही मैं कितना भी बिजी रहूं मैं तुम्हारे लिए मैनेज कर सकता हूं। और तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो पूछता है, क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो, इसमें क्या मिलाया है? जहां वो बताती है कि उसने ये मार्केट से खरीदा था और ये मिल्क फ्लेवर का था। थांग कहता है, मैं मिल्क इंटॉलरेंट हूँ। जहाँ जोशिया कहती है, सॉरी मुझे पता नहीं था तुम मिल्क इंटॉलरेंट हो, और उसे सॉरी सॉरी कहने लगती है। थांग परेशान होकर कहता है कि तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। फिर वो जियांग को मैसेज करती है कि मेरे वजह से अभी थांग का तबीयत खराब हो गया। वहीं ये जानकर जियांग काफी खुश होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग थांग सोच रहा था कि ये लड़की मुझे परेशान करके खुद सुबह से गायब है। तभी उसके ऑफिस जियांग आती है और उसे गर्म सूप देते हुए कहती है, शायद तुम्हारा तबीयत सही नहीं है। थांग रिटर्न करते हुए कहता है, नहीं इसका कोई जरूरत नहीं है। और उसी टाइम जोशिया उसके लिए पॉरिज बनाकर लाती है पर उन्हें देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। जियांग कहती है, लगता तो नहीं है कि उसने वो अपने हाथों से बनाया होगा। थांग कहता है, मुझे लगता है वो स्पेशली मेरे लिए ही था। फिर जियांग थांग के सामने जोशिया के बारे कहने लगती है कि वो काफी क्यूट है पर लगता नहीं है कि वो थांग फैमिली के लायक है। इस पर थांग ये कहते हुए उसे इग्नोर करता है कि उसे अभी अपने फियांसे के साथ लंच करना है। वहीं इधर जियांग उस बॉटल को देखती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स एक दूसरे स्टूडेंट को बुली कर रहे थे क्योंकि उसे पिंक कलर पसंद था। पर इसी बीच थांग आकर उन स्टूडेंट्स को वहां से भगा देता है और उस लड़के को एक पिंक वाटर बॉटल गिफ्ट देता है जैसा कि सेम अभी जियांग के पास था। दूसरी तरफ जोशिया अपना सारा गुस्सा उस पॉरिज पर निकाल रही थी। तब थांग आकर उसका बनाया पॉरिज टेस्ट करता है। वह कहती है, किसी और के साथ सूप एंजॉय करके स्टाफ के साथ लंच करने का क्या जरूरत है? थांग कहता है, मैंने उसका सूप नहीं पिया है। बाय द वे क्या तुमने ये पॉरिज मेरे लिए बनाया था? वह कहती है, बिल्कुल भी नहीं। और जाते हुए कहती है कि ये बर्तन तुम धो देना। इसके बाद हम उसे बर्तन धोते हुए देखते हैं जहाँ एक स्टाफ कहता है, बॉस आप खुद बर्तन क्यों धो रहे हो? तो वो कहता है, क्योंकि हमारे फैमिली का रूल है जो खाना बनाता है वो बर्तन नहीं धोता है। नेक्स्ट सीन जियांग जोशिया को कॉल करके कहती है, आज मैं तुमसे मिलने तुम्हारे कंपनी गई थी पर तुम बिजी थी तो तुमसे बात नहीं हो पाया इसलिए मैं थांग से मिलकर आ गई। जोशिया सोचती है, तो ये मुझसे मिलने आई थी और मैं भी क्या इस पर डाउट कर रही थी। फिर जियांग कहती है, अच्छा तुम दोनों का कैसा चल रहा है, कुछ डेवलपमेंट हुआ या नहीं? इस पर जोशिया कहती है, पता नहीं, उसे डायरेक्टली पूछने में भी एम्बैरेस फील होता है। तब जियांग कहती है, तो फिर मेरा सेकंड प्लान अप्लाई करो, शायद बात बन जाए, क्लीनिंग गर्ल बनो ताकि वो तुम्हें नोटिस करे। और इधर हम सीन फ्लैशबैक में देखते हैं जहां थांग उसी लड़का से कहता है, मुझे क्लीनिंग गर्ल से नफरत है, उनका चिपकते रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और यहां वो लड़का कहता है, मेरी एक सिस्टर है वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप की है। और इधर जियांग उस फोटो को देखकर कहती है, ब्रदर थांग के साथ अगर कोई रह सकता है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ।
वहीं दूसरी तरफ जोशिया जियांग के बताए आइडिया को फॉलो कर रही थी, पर इससे थांग सिर्फ इरिटेट ही हो रहा था। वो सोचती है क्या मुझे डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए कि वो मुझे लाइक करता है या नहीं। तब थांग उसके पास आकर कहता है क्या तुम उसे कुछ छुपा रही हो। वो सोचती है कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि अब ये मेरा क्रश बन गया है। तब वो कहता है क्या तुम फिर से प्रमोशन या सैलरी बढ़वाना चाहती हो। वो कहती है वाओ कितना स्ट्रेट पर्सन है। और इसी बीच उससे थांग का एक क्रिस्टल प्रोडक्ट गिरकर टूट जाता है। वो थांग से सॉरी कहती है पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर उसे वहां से जाने कहता है। इसके बाद वो जियांग को कॉल करके बताती है कि उसके वजह से एक बार फिर थांग गुस्सा गया है। वो बताती है कि गलती से उसने थांग का एक क्रिस्टल पप्पी तोड़ दिया है जो शायद थांग के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। जियांग कहती है कोई बात नहीं, गुस्सा शांत होने के बाद उसे सॉरी करना। अगले दिन जानबूझकर जियांग थांग को एक नेकलेस का पिक सेंड करते हुए कहती है थैंक यू इसे रिपेयर कर देने के लिए, ये बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं लग रहा है। फिर मैसेज करती है सॉरी गलती से ये तुम्हें सेंड हो गया। तब थांग उसे उस क्राफ्टमैन का कॉन्टेक्ट मांगता है और यही तो वो चाहती थी कि वो थांग का हेल्प करे ताकि अपना इम्प्रेशन जमा सके। वहीं इधर जोशिया इंटरनेट पर उसी टाइप का सेम प्रोडक्ट सर्च करती है, पर जब थांग उसके पास आता है तो वो सोने का प्रिटेंड करती है और उसे सोता देख वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता और चला जाता है। नेक्स्ट डे जोशिया सोचती है क्या अब उसे सॉरी बोल देना चाहिए। वहीं इधर थांग सोचता है ये लड़की सुबह से इग्नोर कर रही है, कम से कम सॉरी बोलने का एक चांस तो देना चाहिए। फिर उसे बात करने जा ही रहा होता है कि तभी जियांग उसे कॉल करके बताती है कि तुम्हारे क्रिस्टल पप्पी फिक्स्ड हो गया है। और यहाँ वो हेल्प के बदले थांग से कहती है अच्छा लगेगा अगर तुम लंच के लिए मुझे अपने घर इनवाइट करोगे। थांग कहता है ठीक है। फिर तभी जोशिया कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन कराने थांग के पास आती है जहाँ वो उसे घूरते हुए साइन कर देता है। फिर कहता है लंच के लिए जियांग हमारे घर आने वाली है तो तुम कोई अच्छे से रेस्टोरेंट चूज करके कुछ डिशेस ऑर्डर कर लेना। वह एकदम खोल तरीके से हाँ कहकर चली जाती है। नेक्स्ट दिन हम सबको घर में देखते हैं जहाँ जोशिया और जियांग को बातें करता देख थांग पूछता है कि तुम दोनों कब इतना क्लोज हो गई। जियांग कहती है ये हमारा सीक्रेट है। फिर कहती है क्या ये डिशेस जोशिया ने बनाया है। जहाँ थांग कहता है ये मेरी स्पेशल असिस्टेंट का काम करते करते काफी थक जाती है, इसलिए मैं इसे हाउस वर्क का काम कराकर इस पर और बर्डन नहीं डालना चाहता। फिर जियांग थांग का क्रिस्टल पप्पी देते हुए जोशिया से कहती है तुमने इसे बेकार का चीज कहा था, तुम्हें पता भी है ये थांग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये इसका फैमिली गिफ्ट है। जोशिया कहती है मैंने ऐसा कब कहा। तब थांग उसे पूछता है तुम्हें कैसे पता ये मेरा फैमिली गिफ्ट है। जहाँ वो कहती है तुम भूल गए तुम्हें तो बताया था। तब जोशिया उसे कहती है तो ये तुम्हारे रिलेटिव ने तुम्हें दिया था, ऐसे तुम्हारी फियांसे मुझे तुम्हारे बारे दूसरों से पता चल रहा है, सॉरी मैं इतना केयरलेस हूँ, ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर जियांग कहती है जोशिया काफी अच्छी लड़की है पर केयरलेस भी है और थांग फैमिली के लिए शायद परफेक्ट नहीं है। तब थांग कहता है हाँ वो केयरलेस है क्योंकि वो बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेती है और यही ट्रबल का रीजन बनता है। वहीं तो जोशिया रो रही थी कि वो कितना बेवकूफ थी जो ये समझती थी कि जियांग उसकी दोस्त है। तब उसके पास थांग आता है और उसे सॉरी कहता है कि मैंने उस गिफ्ट के बारे पहले तुम्हें कभी बताया नहीं और तुम पर गुस्सा किया। जोशिया कहती है तुमने तो कभी तुम्हारे और जियांग के रिलेशनशिप के बारे भी नहीं बताया। तब वो कहता है मेरा कब उसके साथ अफेयर था, बाय द वे कहीं तुम जेलस फील तो नहीं कर रही। तब वो कहती है नहीं वो हमें एक्चुअली एक दूसरे के बारे सबको जानना चाहिए ताकि अच्छे से एक्टिंग कर सके। तब थांग उसे गोद में उठाते हुए कहता है हाँ हमें डीपली एक दूसरे के बारे जानना चाहिए। के बाद थांग उसे अपना बैकग्राउंड बताता है। वो बताता है कि जब उसके दादाजी थे तब उनके पास एक पप्पी था, पर उसके दादाजी के डेथ के बाद उस पप्पी का भी एक्सीडेंट हो गया और तब उसकी दादी ने ये क्रिस्टल पप्पी उसे गिफ्ट करा था। इसके बाद जोशिया एल्बम देखते देखते उसे वही फोटो दिखता है जो हम जियांग के पास देखते हैं। यहाँ जोशिया उस लड़के के बारे पूछती है जहाँ वो बताता है कि ये स्कूल फ्रेंड जियांग लाई है जो हमेशा दूसरों से बुली होता रहता था और मैं हमेशा इसे बचाया करता था, पर स्कूल के बाद से ये कहाँ गायब हो गया पता नहीं। जोशिया टीज करती है कि तुम्हारा रिलेशनशिप तो बहुत सारे जियांग के साथ है। फिर थांग कहता है मैंने तो अपना सब कुछ बता दिया, अब तुम अपने बारे बताओ। जहाँ वो कहती है मेरे बारे जानने लायक तो कुछ खास है नहीं, बस यही कि मैं एक मामूली फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बचपन में मुझे एक बार सीरियस बीमारी हुआ था जिसके ट्रीटमेंट में काफी खर्चा हुआ था, इसलिए मेरी दादी और मेरे पापा मुझे पसंद नहीं करते हैं। जब मैं 18 की हुई तो वे शादी कराने के लिए जीत पर अड़ गए क्योंकि उनका कहना था कि कब तक वे मुझ पर पैसा खर्चा करते रहेंगे, पर मेरी मम्मी हमेशा मेरे साइड रही। वो मेरे कॉलेज की पढ़ाई, ट्यूशन फी इन सब के लिए काफी हार्ड वर्क करती थी, इसलिए मैंने भी ढेर सारा जॉब करा, स्कॉलरशिप के पैसों से पढ़ाई करने लगी। फिर मेरा फ्रेंडशिप शाओतोंग से हुआ, उसी ने मुझे जेकाई से मिलाया था। जेकाई का फैमिली कंडीशन भी मेरे जैसा था, इसलिए मैं सोचती थी कि मैं इसे शादी कर सकती हूँ। फिर तुम आ गए और मुझे अपने दोस्त और बॉयफ्रेंड के डबल फेस के बारे पता चला। थांग सोचता है अब मैं तुम्हें कभी उतना सफर होने नहीं दूंगा। नेक्स्ट दिन हम जोशिया को मिस्टर मू के कंपनी में देखते हैं जहां वह कहती है कि हमारे ब्रांड के लिए जो फैक्ट्रीज काम करती है वहां कुछ टेम्पोररी इशू चल रहा है, इस वजह से थांग अभी उधर बिजी है, तो उसके बदले मैं तुमसे बात करने आई हूं। फिर उन्हें बिजनेस रिलेटेड बातें होने के बाद मिस्टर मू उसे डिनर के लिए ऑफर करता है जहां वो मना नहीं कर पाती है। वहीं इधर थांग सोचता है मैं फैक्ट्री से घर आ गया और ये लड़की अब तक से नहीं आई है।
उसी तरफ हम जोशिया और मिस्टर मू को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां वो जोशिया से कहता है, तुम और मेरी एक दोस्त काफी सिमिलर हो। तब जोशिया के मुंह से निकल जाता है कि क्या तुम्हारी वो दोस्त तुम्हारा फर्स्ट लव था। ये सुनकर वो थोड़ा शांत हो जाता है। फिर जोशिया से कहता है, यहाँ का चेरी टार्ट टेस्ट करो, काफी फेमस है। पर जोशिया बताती है कि उसे चेरी से एलर्जी है। ये सुन वो शॉक्ड रहता है। तभी उसे थांग का कॉल आता है, जहाँ वो बताती है कि वो अभी मिस्टर मू के साथ डिनर कर रही है। ये सुनकर वो गुस्सा से कहता है, आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, पर तुम इतना रात गए किसी और के साथ डिनर कर रही हो। जोशिया कहती है, जलस मत हो, मैं आ रही हूँ। फिर वो जल्दी से घर के लिए निकलती है। मिस्टर मू सोचता है, एग्जैक्ट सेम लुक, चेरी से एलर्जी, आखिर जोशिया का रूयू से क्या रिलेशनशिप है। वहीं दूसरी तरफ उसके घर आते ही थांग चिल्लाकर कहता है, आधी रात गए एक लड़का और एक लड़की बाहर डिनर कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। वह कहती है, अभी सिर्फ 9 ही बजे हैं और वैसे भी मुझे पता है आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है, पर वो दिखाता है कि आज उसका बर्थडे है। तब जोशिया कहती है, तो फिर चलो मैं तुम्हें अच्छा सा कोई ट्रीट देती हूँ। थांग कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे और दूसरों को सेम ट्रीट करो, और वैसे भी मेरा घर होते हुए मैं बाहर खाने क्यों जाऊँ। तब वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ। फिर बनाने छोड़ के उसे बर्थडे विशेष देने लगती है। तब थांग खुद ही डिनर रेडी करता है, जहाँ वो कहती है, ठीक है कल मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करने वाली हूँ। नेक्स्ट डे थांग देखता है कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके रखी है, कपड़े भी तैयार करके रखी है। यहाँ वो कहती है कि मैं तुम्हें अगले 24 घंटों तक अपना स्पेशल सर्विस देने वाली हूँ। तब वो कहता है, ऐसा बात है तो फिर ये कपड़े तुम ही मुझे पहना दो। और यहाँ वो अपना ड्रेस उतारने लगता है। तब वो उसे रोकती है कि मेरे सामने ड्रेस चेंज मत करो। नेक्स्ट दिन वो उसका टाई बनाती है, जहाँ वो पूछता है कि तुमने ये कहाँ से सीखा, काफी एक्सपीरियंस्ड हो। वो कहती है, क्यों जेलस फील कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम बहुत जल्दी ब्लश होने लगते हो। फिर उसे उसका पैंट देती है और यहाँ उसे उस दिन वाला एलिफेंट अंडरवियर याद आता है, इसलिए वो हंसने लगती है। वो कहती है, मैंने तुम्हारा एलिफेंट अंडरवियर कभी नहीं देखा है। थांग एम्बेरस होते हुए सोचता है कि अभी एलिफेंट प्रिंटेड वाला अंडरवियर पहनना बंद करना होगा। नेक्स्ट दिन हम दोनों को लिफ्ट का वेट करते हुए देखते हैं, जहां बाकी एम्प्लॉय आपस में बातें कर रहे थे कि आज बॉस कितना हैंडसम लग रहा है। जोशिया उसे कहती है, देखिए मेरा टेस्ट कितना बढ़िया है। तभी पीछे खड़ी वो दोनों वर्कर आपस में थांग और जियांग के बारे बातें करने लगती है। तब थांग जोशिया से कहता है कि कुछ एम्प्लॉय का मुंह बंद रखने के लिए मुझे अभी पब्लिक अफेक्शन दिखाना है। और अब जोशिया उनके सामने काफी लवी डवी एक्टिंग करने लगती है, जो उन दोनों से सहा नहीं जा रहा था, पर इधर ये सब थांग को तो अच्छा ही लग रहा था। इसके बाद वो जोशिया से कहता है, तुम्हारा सर्विस अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरा मसाज कर देना है, सर दबा देना है। वो कहती है, मैं ये सब करूंगी तो काम कब करूंगी। फिर कहती है, अच्छा ठीक है, आज रात में तुम्हें बड़ा सा ट्रीट देने वाली हूँ। तब जाकर थांग उसे छोड़ता है। नेक्स्ट दिन जोशिया की मम्मी जोशिया को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके पापा पैसों के लिए उसे मार रहे हैं। थांग उसे कहता है, टेंशन मत लो, और अपने पर्सनल लॉयर को कॉल करता है। दूसरी तरफ जोशिया के मम्मी पापा का लड़ाई चल ही रहा था। उसकी मम्मी कहती है कि तुम अपना और मेरा पैसा एक दूसरी औरत पर लुटाकर खत्म कर दिए, और अब अपनी ही बेटी से पैसा मांगना चाहते हो, तुम में थोड़ा भी सम नहीं बचा। उनमें लड़ाई चल ही रहा था कि तब थांग अपने लॉयर के साथ वहाँ पहुँच जाता है। तब जोशिया के फादर अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि मेरा इस औरत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। तब थांग उसे कुछ एविडेंस और फोटो दिखाते हुए कहता है, ये इस मंथ की आपकी और इस औरत की होटल बुकिंग रिकॉर्ड है। ये सुनकर जोशिया की मदर उसे डाइवोर्स मांगती है, पर जोशिया की दादी उसे समझाती है कि अगर इसे डाइवोर्स दे दिया तो हाथ में पैसे आना बंद हो जाएंगे, इसलिए जोशिया के फादर जोशिया की माँ से माफी मांगता है। तब थांग कहता है, आप जो डिसीजन लेंगी, मैं और जोशिया आपके डिसीजन का रेस्पेक्ट करेंगे। तब उसकी माँ कहती है, मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, पर उसके फादर डाइवोर्स देने के लिए एग्री नहीं होते हैं। तब उनका लॉयर कहता है, इन एविडेंस के जरिए मेरी क्लाइंट तुमसे डाइवोर्स ले सकती है। और अब थांग जोशिया की माँ को अपने साथ ले जाता है। जाने से पहले वो अपने हस्बैंड को एक थप्पड़ लगाया जाती है। इसके बाद हम उन्हें घर में देखते हैं, जहाँ थांग उनसे कहता है, आप आज जोशिया के साथ सो जाना, आपको अपनी बेटी से ढेर सारा बातें भी तो करना है। तब जोशिया की माँ कहती है, नहीं नहीं, तुम दोनों अभी अभी एंगेज्ड हुए हो, तुम लोग कैसे अलग सो सकते हो, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। इस पर थांग कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग दिन भर साथ तो रहते ही हैं, तो एक रात तो अलग रहा ही जा सकता है। दोनों को खुश देख जोशिया की माँ काफी खुश होती है। फिर जोशिया थांग से कहती है, मेरा लगेज अभी भी जमीन पर है, जाकर हटा दो। और अब इसके बाद जोशिया की मम्मी थांग से आज के लिए थैंक यू कहती है। यहाँ जोशिया सोचती है, अब तो मैं इसे और भी ज्यादा लाइक करने से अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ। इसके बाद वो थांग को मैसेज करती है कि अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती, आज के लिए थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ जोशिया अपनी माँ से कहती है, सॉरी मैं तुम्हें पहले उस घर से नहीं निकाल पाई और तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं, तुम ऐसे भी बहुत अच्छी बेटी हो, अब मैं कोई अच्छा सा जॉब ढूंढकर एक नया लाइफ स्टार्ट करूंगी। फिर उससे पूछती है कि तुम और थांग कब शादी करने वाले हो, आज जो भी हुआ मुझे डर है कहीं इसका इम्पैक्ट तुम्हारे रिलेशनशिप पर ना पड़े। जोशिया कहती है, डोंट वरी, थांग ये सब माइंड नहीं करता है और वो काफी अच्छा इंसान है। हाँ काम में वो इतना बिजी रहता है कि शादी के बारे हमने अब तक डिस्कस नहीं करा है। फिर अंदर ही अंदर उदास होती है क्योंकि उनका एंगेजमेंट भी तो फेक ही था।
वहीं दूसरी तरफ हम जियांग के साथ उस लड़की को देखते हैं जिसका अफेयर जुशिया के फादर के साथ था, और यहाँ हमें पता चलता है कि जियांग ने उस लड़की को ऐसा करने के लिए पैसा पे किया था ताकि थांग के नजर में जुशिया का फैमिली बदनाम हो सके। और यहाँ वो लड़की जियांग को जुशिया का एक सीक्रेट बताती है। वहीं इधर थांग जुशिया की माँ के लिए एक ड्राई क्लीनर शॉप खोल देने का डिसाइड करता है, पर उसकी माँ थांग का हेल्प नहीं लेने खोजती है। वो कहती है हमारा फैमिली डिफरेंस इतना ज्यादा है कि इस तरह फाइनेंशियली सपोर्ट लेना तुम दोनों की रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर थांग किसी तरह जुशिया की माँ को मना लेता है। फिर उसकी माँ जुशिया को एक अपार्टमेंट खोज देने कहती है, पर थांग कहता है कि रूम रेंट पर रहने का क्या जरूरत है, आप हमारे साथ भी रह सकती है। पर उसकी मम्मी कहती है तुमने ऑलरेडी मेरा इतना हेल्प करा है, अब तुम दोनों के साथ रहना इतना हेल्प ज्यादा हो जाएगा। जुशिया भी थांग से कहती है कोई बात नहीं, मैं मम्मी के लिए एक अच्छा सा रूम ढूंढ दूंगी। नेक्स्ट दिन जियांग थांग को कॉल करती है, जहां थांग कहता है अगर बिजनेस रिलेटेड बातें करना है तो कंपनी के सुपरवाइजर से करो, पर जियांग कहती है मुझे बिजनेस रिलेटेड बातें नहीं करना है, मैं जुशिया के बारे कुछ बताना चाहती हूं, और अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। इसके बाद थांग सोचता है जुशिया के बारे ऐसा क्या बात हो सकता है, तभी जियांग उसे एक लोकेशन सेंड करती है और वहां से उसे पिकअप करने कहती है। वहीं तक जुशिया उसका वेट कर रही थी ताकि वो मिलकर उसकी माँ का न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट करा सके, पर थांग तो जियांग से मिलने चला जाता है, जहाँ सब कुछ जियांग के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। यहाँ जब थांग उसके लिए कार का दरवाजा खोलता है तब जियांग जानबूझकर उसके तरफ गिरती है, और यहाँ उसी वक्त एक फोटोग्राफर उनका कुछ पिक कैप्चर कर लेता है। फिर वो थांग को बताती है कि जुशिया के जो पेरेंट्स है वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, इसलिए उसके फादर और दादी उसे पसंद नहीं करते। तब थांग कहता है ये मैं पहले से जानता था। एक्चुअली थांग को यह सब पहले से ही पता था, जब स्टार्टिंग ही उसने जुशिया के बारे इन्फॉर्मेशन पता करा था। जियांग कहती है तुम उससे शादी करना चाहते हो जिसका बैकग्राउंड इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें डर नहीं लगता अगर एक दिन उसके रियल पेरेंट्स आकर तुम्हें पैसे मांगेंगे? थांग कहता है अगर वैसा दिन आएगा भी तो मैं उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करूंगा और उनके रियल पेरेंट्स को रिपे भी करूंगा। जियांग कहती है तो इतना फेमस सीईओ इस हद तक किसी से प्यार करता है, ये तो काफी हार्ट टचिंग है। थांग कहता है मैं तो ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि अब तक से तुमने उसे क्यों नहीं बताया। जियांग कहती है क्योंकि अगर उसके थ्रू ये बात लीक हुआ तो हमारा कंपनी डाउन हो जाएगा और मैं इस कंपनी की स्पोक पर्सन हूँ, तो मैं अपना ब्रांड नीचे नहीं गिराना चाहती। थांग कहता है अगर तुम सच नहीं बताओगे तो आगे और बात करना बेकार है, अब तुम जा सकती हो। तब जियांग कहती है आज मेरा बर्थडे है, मैं चाहती हूँ तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो, पर थांग नहीं मानता है। तब वो कहती है अगर इस सीक्रेट को सीक्रेट रखना चाहते हो तो मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना ही होगा, वरना मैं ये जुशिया को बता दूंगी। और अब थांग को उसका बात मानना पड़ता है और ऊपरी मन से उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना पड़ता है। जबकि इधर जुशिया न्यूज देखती है जिसमें एक आर्टिकल पर वो थांग और जियांग का वही फोटोज देखती है जो जियांग ने जानबूझकर कैप्चर करवाया था। आर्टिकल में लिखा था कि लगता है वानमो कंपनी के सीईओ और एक्ट्रेस जियांग रिलेशनशिप में है, उन्हें होटल से बाहर निकलते देखा गया है। अब ये सब पढ़कर जुशिया की आंखों में आंसू था, वो उसे कॉल लगाती है पर उसका मोबाइल साइलेंट में था इसलिए वो पिकअप नहीं करता है। और इधर वो सोचती है कि काम के बहाने वो जियांग का बर्थडे सेलिब्रेट करने गया है। इसके बाद एक स्टाफ थांग को कॉल करके बताता है कि आपका और मिस जियांग का कुछ फोटो और न्यूज वायरल हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं और आप अपने फियांसे को चीट कर रहे हैं। ये सुन थांग तुरंत इन न्यूज को दबाने का ऑर्डर देता है और सोचता है मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, कहीं मैं जुशिया से प्यार तो नहीं करने लग गया। वहीं इधर जुशिया उन दोनों का न्यूज और लोगों का कमेंट्स पढ़कर काफी सैड होती है। वो सोचती है अच्छा है उसे पता नहीं है कि वो मेरा क्रश है, वरना मुझे उसके सामने एम्बेरस होना पड़ता। तभी थांग को आता देख वो सोने का प्रिटेंड करती है, पर वो समझ जाता है कि ये सोने का प्रिटेंड कर रही है, इसलिए उसे उठाता है और कहता है तुम्हें थोड़ा भी परवाह है कि मैं अभी हॉट न्यूज में हूँ? जहाँ वो कहती है तो मैं क्या करूँ, तुम बाहर जाकर अपने सीक्रेट क्रश के साथ रोमांस करोगे और मैं उन पर पर्दे डालूंगी। और अब उन दोनों में बहस शुरू हो जाता है, पर यहाँ थांग नहीं बता पाता है कि वो जियांग से मिलने क्यों गया था। इधर जुशिया कहती है सॉरी, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम्हारे सीक्रेट लवर को काफी वेट करना पड़ रहा है, पर अगर मेरे कहने से ये कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म होता तो मैं अभी ही खत्म कर देती, और गुस्सा से अपना लगेज लेकर घर से निकल जाती है। थांग सोचता है यूजुअली गर्लफ्रेंड नाराज होने पर बॉयज क्या करते हैं, क्या हम लोग का एंड इसी तरह से होगा? फिर सोचता है अच्छा छोड़ो, पहले सब कुछ ठंडा ही हो ले। वहीं उधर जुशिया रहने के लिए एक होटल जाती है, जहां वो मिस्टर मू से भेटाती है जो यहाँ एक मीटिंग अटेंड करने आया था। वह जुशिया और उसका लगेज देखकर समझ जाता है कि थांग के साथ इसका लड़ाई हुआ है। वह कहता है तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर सकता हूँ, तुम्हें बेटर फील होगा। इसके बाद हम उन्हें ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, जहां जुशिया कहती है सिर्फ एक ही बोतल, मैं तो सोच रही थी फुली ड्रिंक करूं। मिस्टर मू कहता है किसी दूसरे आदमी के साथ रूम में इस तरह बहुत ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि हर कोई ट्रस्टेबल नहीं होता। तब जोशिया कहती है मुझे पता है तुम वैसे इंसान नहीं हो, मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, वैसे भी तुम जैसे बड़े लोग जियांग जैसे ब्यूटीफुल लड़कियों के सराउंड रहना पसंद करते हो, हमारी जैसी ऑर्डिनरी लड़कियों पर इंटरेस्ट कैसे आएगा? मिस्टर मू कहता है तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी खूबसूरती है जो शायद किसी को पता नहीं है, और तुम्हें भी आसपास देखने का जरूरत है, शायद कोई हो जो तुम्हारा वेट कर रहा हो। फिर कहता है आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ न्यूज वाले थांग और जियांग के बारे जैसा मन वैसा आर्टिकल छापते जा रहे थे और ऊपर से अब तक से इस मैटर पर ना तो थांग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था और ना ही जियांग ने। न्यूज में ये तक बताया जाने लगता है कि थांग और जोशिया का एंगेजमेंट तो बस एक कमर्शियल रीजन था। असल में थांग और जियांग एक दूसरे से प्यार करते हैं और बड़ी बात की एंगेजमेंट के बाद से अब तक शादी का कोई ऑफिशियल न्यूज भी नहीं है। थांग की स्टाफ बताती है कि रूमर्स इसलिए ज्यादा फैल रहा है क्योंकि जियांग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये लोग ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसके मैनेजर से पता चला कि वो अभी फिल्म शूटिंग पर बिजी है और अभी कोई डिस्ट्रक्शन नहीं चाहती है। थांग अपने स्टाफ को सीरियस तरीके से इस मैटर को हैंडल करने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग के कुछ फैन फॉलोअर्स से जोशिया का क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि तुम जियांग से अपना कंपैरिजन कैसे कर सकती हो, तुम उसके लायक तक नहीं, तुम्हें थांग से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तभी मिस्टर मू आकर जोशिया को वहां से हटाता है। फिर जोशिया से कहता है थांग को क्या हो गया है, वो अब तक कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा, अगर तुम कहो तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। जहाँ जोशिया कहती है नहीं, थांग अपने तरीके से मैटर सॉल्व करने का कोशिश कर ही रहा होगा। फिर वो सोचती है थांग ने तो मुझे कभी चीट करा ही नहीं है क्योंकि मैं उसके दिल में तो हुई ही नहीं। दूसरी तरफ थांग पता लगवाता है कि अभी जोशिया कैसी है, जहां वो जानकर रिलैक्स फील करता है कि अभी वो ठीक है। और तभी उसे जियांग का कॉल आता है जहां वो कहता है तुम कहां हाइड हो, मुझे जल्दी से इन रूमर्स का क्लेरिफिकेशन चाहिए। इस पर वो कहती है क्लेरिफिकेशन का क्या जरूरत है, जब से तुम्हारा और मेरा न्यूज चर्चा में आया है तब से हमारा ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेड कितना हाई होता जा रहा है, जो कि तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए बेनिफिट है, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। थांग उसे क्लेरिफिकेशन के लिए कहता रह जाता है पर वो मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मू जोशिया के लिए लंच ला देता है, जहां जोशिया अब भी उदास थी। वो पूछता है क्या थांग ने तुमसे अब तक कांटेक्ट नहीं करा है, जहां वो कहती है नहीं, यह मिस्टर मू से कंफर्ट फील कराना चाहता था पर उसका एंगेजमेंट रिंग देखकर रुक जाता है। वहीं इधर थांग स्टार्टिंग से जियांग के बारे सोचता है कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा वो उसे पर्सनली कभी नहीं मिला है, वो फोटो भी बहुत ज्यादा इंटीमेट नहीं लग रहे हैं, लेकिन न्यूज आर्टिकल में इन्हीं फोटो के जरिए बढ़ा चढ़ाकर लविंग रिलेशनशिप का एटमोसफियर बनाया जा रहा है और ये कुछ ही फैंस हैं जो जरूरत से ज्यादा एक्टिव हैं। कुछ तो है जो मैं सोचने में मिस कर रहा हूँ, उसे मेरे छोटे छोटे हैबिट्स के बारे पता है, इवन ये दूसरी बार है जब उसके साथ मेरा र्यूमर फैला है। इसका मतलब जियांग का टारगेट जोशिया नहीं बल्कि मैं हूँ। और अब वो अपने स्टाफ को जियांग का इन्फॉर्मेशन पता करने का ऑर्डर देता है। अगले सीन दिखाया जाता है, थांग अपने स्टाफ को पब्लिक रिएक्शन के बारे पूछता है, जहां वो बताती है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैटर हाथ से निकला जा रहा है। यहां वो जोशिया का वो वीडियो भी दिखाती है जहां जियांग के फैंस उसका क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये देख वो गुस्सा से तिलमिला उठता है पर उसके स्टाफ से रोकते हुए कहती है कि अभी जोशिया एकदम सही सलामत है, मिस्टर मू ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया था और डोंट वरी, हमने मिस जोशिया के सेफ्टी के लिए वहाँ सिक्योरिटी भी हायर कर दिया है, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो पता नहीं और क्या क्या आर्टिकल छपने लग जाएगा। थांग कहता है पता करो जोशिया पर अटैक किन किन लोगों ने किया था और उनके खिलाफ एक्शन लो, उन लोगों का हिम्मत कैसे हुआ मेरी वाइफ पर अटैक करने का। वहीं दूसरी तरफ जियांग फोटोशूट पर थी, तभी वो वॉमिटिंग करने का नाटक करती है और फोटोग्राफर इस मोमेंट को कैप्चर करने लगते हैं और यही तो वो चाहती थी ताकि आर्टिकल में ये छपे कि वो प्रेग्नेंट है और होता भी ऐसा ही है। जबकि उधर मिस्टर मू जोशिया के घर जाता है जोशिया के बारे इन्फॉर्मेशन पता करने, जहां जोशिया की दादी से उसे पता चलता है कि जोशिया उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। जब वो 5 साल की थी तब रास्ते में वो बेबस बीमार पड़ी हुई मिली थी। ये जानकर वो काफी शॉक्ड होता है और याद करता है जब रूयू का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। वो कहता है रूयू लगता है मैंने तुम्हारे सिस्टर को ढूंढ लिया है। वहीं दूसरी तरफ जोशिया जियांग का प्रेगनेंसी वाला न्यूज देखती है और अब वो भी इस न्यूज को सच समझ बैठती है, इसलिए उसको काफी तकलीफ होता है। वो थांग को कॉल लगाती है पर वो तो मोबाइल ऑफ करके रखा था ताकि कोई रिपोर्टर्स परेशान ना कर सके। इधर थांग भी जियांग का वो प्रेगनेंसी वाला न्यूज देखता है और अपने स्टाफ से कहता है कि जिसने भी आर्टिकल छापा है उसी ने इससे पहले वाले आर्टिकल छापे होंगे, और अब वो पता करने कहता है कि ये किस जर्नलिस्ट का काम है। यहाँ उसके असिस्टेंट पता करके बताती है कि ये किसका काम है और अब थांग उस जर्नलिस्ट को अपने पास बुलवाता है। दूसरी तरफ मिस्टर मू जोशिया के पास जाता है जहां वो कहती है लगता है हम दोनों का सीरियस ब्रेकअप ही हो जाएगा। फिर उसे जियांग वाला न्यूज दिखाती है। अब क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक थी इसलिए मिस्टर मू को थांग समझने लगती है और कहती है मैं स्टूपिड थी जो तुमसे प्यार कर बैठी, मुझे ये याद रखना चाहिए था कि हमारा रिलेशनशिप तो महज एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, पता नहीं क्यों मैं अपने आप को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक पाई। ये सुनकर मिस्टर मू काफी खुश होता है कि दोनों अब तक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में थे। वो कहता है मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया कि तुम दोनों का रिलेशनशिप फेक है, आखिर उस र्यूमर के बाद ही तो तुम लोगों का एंगेजमेंट हुआ था। फिर वो जोशिया को हक करता है और कहता है रूयू क्या तुमने जोशिया को मेरे पास भेजा है ताकि हमारा प्यार कंटिन्यू रहे।
दूसरी तरफ थांग उस रिपोर्टर से कहता है, उस दिन पार्किंग एरिया में लिया गया फोटो और ये वॉमिटिंग वाला फोटो, ये तुम्ही ने कैप्चर कराया राइट। और यहाँ वह रिपोर्टर डर से सब कुछ थांग को बता देता है। वो बताता है कि उस दिन मैं भी उस होटल में था जहाँ किसी ने मैसेज कर मुझे पार्किंग एरिया में बुलाया और वहीं मैंने तुम दोनों को साथ देखा। फिर मैंने ये वॉमिटिंग वाला फोटो कैप्चर करा, पर मुझे उसका नाटक पता चल गया था, लेकिन उसने मुझे आर्टिकल छापने के लिए पैसे दिए। फिर बताता है कि मिस जियांग ने ही जोशिया पर अटैक करवाया था। थांग सोचता है आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है, वो मुझसे क्या चाहती है। और तभी उसे उस आदमी का मैसेज आता है जिसको जियांग का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा गया था। और यहाँ वो थांग को एक फोटो सेंड करता है जिसको देख थांग का होश उड़ जाता है। इसमें जियांग और उसका वो डरपोक फ्रेंड का फोटो था। नेक्स्ट सीन हम मिस्टर मू को जोशिया के साथ देखते हैं, जहाँ वो जोशिया से पूछता है कि क्या थांग ने तुमसे कॉन्टेक्ट करा। इस पर वो कहती है नहीं, वो तो अभी अपने जियांग के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा। तभी मिस्टर मू को किसी का मैसेज आता है कि मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं मिस्टर मू उसे जोशिया का कुछ सामान देता है डीएनए टेस्ट के लिए, ताकि वो कंफर्म हो सके कि क्या सच में जोशिया उसकी लवर जुयू की बहन है। वहीं दूसरी तरफ जियांग की मैनेजर उसे कहती है कि हर बार कंपनी आपके डिसीजन का रेस्पेक्ट करती है, पर इस बार इस प्रेगनेंसी वाला मैटर पर वो क्लेरिफिकेशन चाहती है, अदरवाइज ये आपके करियर के लिए ठीक नहीं होगा। वो कहती है अभी कुछ और दिन जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि कोई मुझे कुछ करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। और तभी थांग उसे कॉल करके मिलने बुलाता है। नेक्स्ट दिन थांग उसे मिलने जाता है, जहां वो रोते हुए कहती है मैंने जोशिया के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। वो ऐसा झूठा आंसू बहाती है मानो इन सब के बारे उसे कोई आइडिया ना हो। तब थांग उसे उस रिपोर्टर का रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो जियांग के कारनामों के बारे बता रहा था। थांग उसे इन सब का एक्सप्लेनेशन मांगता है, जहां वो बताती है कि हाँ ये सब मेरा ही काम है, मैंने ही ये सब करवाया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। थांग कहता है लेकिन मैं जोशिया से प्यार करता हूँ और इन फ्यूचर उसी से करता रहूंगा। जियांग कहती है क्यों, मेरे में क्या कमी है, अगर मैं जोशिया से पहले तुम्हारी लाइफ में आती तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता। तब थांग उसे वो फोटो दिखाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि थांग के स्कूल टाइम का वो डरपोक फ्रेंड ही जियांग जैसी है। यहाँ जियांग बताती है कि मुझे लगता था कि तुम्हारे लिए जो मैं फील करता था वो तुम भी मेरे लिए करते थे, बट मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मुझे सिर्फ एक दोस्त समझते हो, इसलिए मैं तुम्हें तो नहीं बदल सकती थी, पर अपने आप को तो बदल ही सकती थी उस वे में जिस वे में तुम मुझे प्यार करने लग जाओ। और इसलिए वो अब्रॉड जाकर अपना जेंडर चेंज करवा कर लड़की बनता है। थांग कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोग दोस्त बनकर भी रह सकते थे। वह कहती है नहीं, मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक करते थे, वरना तुम मेरे साथ इतना अच्छा ट्रीट नहीं करते। थांग कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त जैसा ट्रीट करता था, लेकिन तुम ये सच एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे, अदरवाइज तुम ये सब करते ही नहीं। जियांग कहती है जोशिया तुम्हारे लिए जो कर सकती है वो मैं भी कर सकती हूँ, तो फिर तुम्हें मुझसे प्यार क्यों नहीं है, अगर वो गायब हो जाए तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार होगा। ये सुनकर वो गुस्सा उठता है, कहता है मैं हमारे फ्रेंडशिप को चेरिश करता हूँ, पर मैं जोशिया से प्यार करता हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि हमारे स्कूल के गुड मेमोरीज हमारे साथ रहे तो तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए। और अब जियांग को भी रियलाइज होता है कि थांग उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझता है, और वो थांग को गिव अप करने का डिसाइड करती है। इसलिए वो ऑफिशियली अपना क्लेरिफिकेशन पब्लिक करती है, जिसमें वो बताती है कि न्यूज में वायरल हो रहे हैं मेरे और वानमो के सीईओ थांग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा इंटरनेट पर पोस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये सब मेरा ही किया धरा था, मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि थांग से क्लोज हो सकूं। और यहाँ वो सभी से सॉरी कहती है और ये अनाउंस भी करती है कि अब से वो अपना सारा शो बिजनेस क्विट कर देगी और अपने पर्सनल लाइफ में वापस चली जाएगी। इधर उसका क्लेरिफिकेशन देख थांग अब रिलैक्स फील करता है। वो जल्दी से जोशिया के पास जाने लगता है, पर उसके मैनेजर रोकती है कि ऐसे ड्रेस में जाओगे तो रिपोर्टर्स से घिरे ही रह जाओगे। और अब नेक्स्ट सीन हम उसे एकदम बेदास बॉय की तरह देखते हैं, जहां वो उस होटल के बाहर जोशिया का वेट कर रहा था। यहां वो उसे देख इग्नोर करती है, पर थांग उसे अपने क्लोज करते हुए अपना फेस दिखाता है और उसे प्रपोज करता है। जोशिया कहती है हमें एक और कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप बनाना चाहिए जिसमें टाइमिंग लाइफ टाइम तक रहेगा। वह कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर दोनों में किसिंग होता ही है कि रिपोर्टर्स वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, इसलिए वे दोनों भागते भागते घर आते हैं। यहाँ थांग उसे बेड में पिन करता है और उसके क्लोज होता है, इसलिए जोशिया भी अपना आईज बंद कर लेती है, पर वो तो उसे टीज करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। फिर थांग उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यहाँ जोशिया डायमंड रिंग देखते हुए कहती है पर तुमने एंगेजमेंट वाले दिन कहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती। थांग कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। फिर उसे रिंग पहनाता है, जिसके बाद दोनों के बीच किसिंग सीन दिखाया जाता है। अगले सीन हम थांग और मिस्टर मू को देखते हैं, जहां वो दो ट्विन बच्चे का फोटो दिखाते हुए कहता है ये यूनजिन में फ्लावर ग्रुप की दो ट्विन डॉटर है, एक रूयू जो कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारी गई, और दूसरी रूजुन जिसे अभी हम जोशिया के नाम से जानते हैं, जिसे 20 साल पहले मी फैमिली ने अडॉप्ट किया था। जहां तक मैं जानता हूं तुम इस बारे मुझसे पहले से जानते हो। थांग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तब मिस्टर मू कहता है तुम सब जानते हुए भी जोशिया से ये सब क्यों छुपा रहे हो, क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो या तुम्हारा कोई हिडन एजेंडा है। फिर कहता है
और अब जब तुम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप खत्म होने को है तो मैं इसका वेट करूंगा। और यही है इस स्टोरी का द एंड होता है। हाँ, एंडिंग बहुत ज्यादा क्लियर नहीं रहा क्योंकि जिस वे में एंडिंग हुआ, आई होप इसका सीजन 2 आए, क्योंकि स्टोरी बहुत सारे ऐसा फैक्ट छोड़े गया है जिसको रिवील होना बाकी है। जैसे कि लास्ट में हमें पता चलता है कि थांग को जूसिया का रियल आइडेंटिटी पता था कि वो हुआ फैमिली की वारिस है, यानी उसका बैकग्राउंड काफी रिच है। तो क्या ये जानकारी उसने उसके साथ एंगेजमेंट करा था या उसे सच में उससे प्यार है? दूसरा, वो ये सब जूसिया को क्यों नहीं बताना चाहता? तो अगर सीजन 2 आए भी तो हो सकता है उसमें जूसिया के रियल फैमिली बैकग्राउंड पर फोकस किया जाएगा, मिस्टर मू और रुयू के बारे कुछ और बताया जाएगा, या फिर हो सकता है कि एक लव ट्रायंगल भी बने। जो भी हो, सीजन 2 अगर आएगा तो मैं भी एक्सप्लेन लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।